हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक प्रीवियस ईयर पीजीटी फिजिक्स पेपर। ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है अपकमिंग फिजिक्स पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज, ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ से हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय, दिस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, इज़ द ईएमएफ, दिस इज फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो तो ईएमएफ है, ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ। ओके, सेकेंड ऑप्शन, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो हमने देखा रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेकेंड ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद द कंडक्टर, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है ना, जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। और फिर चौथा ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फैराडे फर्स्ट लॉ से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बॉडी एट 1500 केल्विन, 15,000 केल्विन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट अ वेवलेंथ ऑफ 20,000 एमस्ट्रॉन्ग। इफ द सन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट अ वेवलेंथ ऑफ 5500 एमस्ट्रॉन्ग, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है, तो बोला है कि जो एक बॉडी है इस टेम्परेचर में 15,000 केल्विन टेम्परेचर में मैक्सिमम वेव एनर्जी एमिट करती है इस वेवलेंथ की। ओके, तो जो सन है वो मैक्सिमम एनर्जी किस इस वेवलेंथ की किस टेम्परेचर पे एमिट करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं पता नहीं एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सारी ही वेवलेंथ की एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, या फिर जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो वो सारी वेवलेंथ एमिट करेगी, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे जो एमिशन होगा एनर्जी होगी अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग होगी, और किस वेवलेंथ की एनर्जी मैक्सिमम होगी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ये वेन लॉ से हमें पता चलेगा। तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा टी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैम्डा टी के प्रोपोर्शनल हुआ, तो लैम्डा वन मैं बोल लेता हूँ, तो लैम्डा वन विल बी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी वन। ठीक है, किस वेवलेंथ की एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो एमिटेड वेवलेंथ की मैक्सिमम होगी वो होगी किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, और यहाँ से प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, हम उस कॉन्स्टेंट को बी बोलते हैं। ओके, बी और यहाँ पर टी वन। ठीक है, सिमिलरली लैम्डा टू भी ऐसे आ जाएगा, लैम्डा टू इज इक्वल टू बी अपॉन टी टू। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन। ओके, अब वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, अंतर आ जाएगा। तो लैम्डा वन हमारा हो जाएगा 20,000 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, दूसरा जो लैम्डा टू है वो है हमारा 5500, और फिर उसके बाद T2 क्या है, तो T2 निकालना है। ठीक है, इस टेम्परेचर इस वेवलेंथ के लिए T2 है, और T1 कितना है, 15000। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये ज़ीरो कैंसिल हुए, 5 3 टाइम्स 5 11 टाइम्स। ओके, और फिर उसके बाद 11 तो कहीं आगे डिवाइड नहीं होगा, तो बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और ज़ीरो कैंसिल हो रहे हैं तो नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 × 3 6 6 0, हाउ मेनी ज़ीरोस, तो यस 3 4 5 5 ज़ीरोस, 3 4 5। ठीक है, डिवाइड बाई 11 है, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 55। ठीक है, 55 50, 11 4 44, फिर उसके बाद तो कितना है 60, 11 5 55, 11 44। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर,
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर 5454 केल्विन। ठीक है, तो आई होप कि ये सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इफ़ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो एक क्यूब है हमारे पास, उसके अंदर सेंटर ऑफ द क्यूब में एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, क्यूब पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, तो पता करना है हमें कि हर एक फेस से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम द टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। यही तो है गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो अब हमारा जो सरफेस है इसमें कितनी सिमेट्रिकल है, क्यूब इज सिमेट्रिकल एंड इसकी 6 फेसेस है, है ना, 6 साइड्स हैं और 6 फेसेस हैं। ओके, सो जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स ईच, उससे कितना टोटल फ्लक्स, तो हर एक पूरे क्यूब से कितना आ रहा है, 1/ε0 टाइम्स क्यूब। ठीक है, और ये क्या इक्वली हम इस हर एक फेस से कितना आएगा, तो 6 फेजेस है। देखो ऐसे कर सकते हैं, 6 फेजेस से, ठीक है, 6 इक्वल फेजेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, 1/ε0 टाइम्स क्यूब। तो 1 फेस से, ठीक है, 1 फेस ऑफ द क्यूब से कितना जाएगा, तो 1/6ε0 ऊपर क्यूब है, तो q/6ε0। सो आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज हाई इफ, ठीक है, नॉर गेट कुछ इस तरह से होता है। नॉर गेट क्या होगा, देखो नॉर गेट, और गेट, ये और गेट है हमारा, ओके, और ये इसके आगे ये डॉट लगाया, ये नॉर गेट हो गया। मतलब देखो पहले मैं दोनों को एक अलग अलग बता देता हूँ। और गेट का ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर ये और गेट है, अगर आउटपुट कितना है, 0 0 है, ठीक है, तो और गेट में क्या हो जाता है, और गेट में एडिशन हो जाता है, 0+0 0, ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ए बी और वाई, ठीक है, 0 0 ऐड हो के 0, ठीक है, तो ऑन ऑफ ऑफ पे तो यहाँ पर ऑफ रहेगा, 0 1 पे 1 आएगा, 0+1 0, 1 0 पे कितना आएगा, 1 आएगा, और फिर अगेन 1+1 पे क्या आएगा, 1+1 पे 1 आएगा, 1+1 1 ही आएगा। ओके, तो ऑन ऑन में क्या आएगा, ऑन आएगा। ओके, नाउ लेकिन अगर क्या हो जाए, नॉट गेट आए, नॉट गेट मतलब नॉट गेट है ना, एक नॉट गेट आपको पता है, नॉट गेट में क्या होता है, अगर ए जो है, वाई जो होता है वो क्या होता है, वाई वाई ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, मतलब ए का ऑपोजिट, जैसे कि अगर ए 1 है तो वाई कितना आएगा, 0 आएगा, और ए 0 है तो वाई 1 आएगा। ठीक है, नॉट गेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नॉट गेट में क्या होगा, ठीक है, इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और ये वाई, ठीक है, तो वाई क्या होगा इस केस में, वाई होगा विल बी ए प्लस बी, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो मतलब इसका ऑपोजिट होगा। देखो कैसे, अगर ए है और ये बी है और ये वाई है, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, अगर 0 0 है तो 0+0 ऑड गेट के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए, लेकिन उसका ऑपोजिट आएगा ना, क्योंकि नॉट गेट भी लगा है इसमें, ठीक है, यहाँ क्योंकि नॉर गेट है ये, ठीक है, तो 0+0 आना चाहिए था 0, लेकिन 1 आएगा, ऑपोजिट आ जाएगा, 0+1 0 आना था बट, सॉरी 1 आना था बट 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 और फिर 1 0 फिर से 0 आएगा, और फिर 1 1 भी अगेन, 1 1 को यहाँ बनाया था, 1 1 क्या आ जाएगा, अगेन 1+1 0 1 होना था बट 0 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि क्या आंसर है, देखो ऑल इनपुट्स आर लो, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, नॉट गेट में सारे के सारे इनपुट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या, ठीक है, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा, एनी इनपुट इज़ लो, ऑल एनी इनपुट इज़ हाई, अच्छा ऑल इनपुट्स आर लो, ठीक है, सारे इनपुट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बोला है कि अगर, एक सेकंड क्वेश्चन फिर से देखते हैं, द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज हाई, हाई है जब, अगर हाई है, देखो हाई कहाँ पर है, हाई यहाँ पर है, ठीक है, हाई 1 पे, एक ही बार में हाई है, ठीक है,
ठीक है, द ऑन कंडीशन जो है वन, तब इनपुट क्या होंगे, तब इनपुट दोनों जीरो जीरो है तो लो, ये है ना क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, आउटपुट क्या है अगर वन है तो इनपुट दोनों लो होंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इफ़ अ मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, एक मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने क्या करा, इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखा है, ठीक है, ये रही हमारी मैग्नेट फील्ड सपोज, और एक मैग्नेट नीडल को रखा है इस पर, ओके सो तो इस पर क्या होगा, ऑप्शन से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो अ फोर्स बट नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और मैग्नेटिक उसको पैरेलल से नहीं शो करेंगे, यूनिफॉर्म होती है तो पैरेलल से शो करते हैं, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो अगर तो इस पर अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क क्या एक्सपीरियंस करेगा, सबसे पहले देखो अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है, और इस पर अगर एक मैग्नेटिक नीडल रखी होती तो क्या इस पर टॉर्क लगता या फोर्स लगता, तो आंसर है इस पर फोर्स तो नहीं लगता, नेट फोर्स नहीं लगता है, हमने डाइपोल भी पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइपोल पढ़ा, सिमिलर है, ठीक है, तो इस पर जितना इस नॉर्थ साइड जितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इस साइड भी सेम उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म केस के लिए बात कर रहा हूँ, टॉर्क लगेगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पर टॉर्क लगेगा, ठीक है। कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एम क्रॉस बी, वेयर एम इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, इतना टॉर्क लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इस पर एक नेट फोर्स भी लगेगा, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, अ फोर्स एंड अ टॉर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन अ डाइलेक्ट्रिक